हेलो, मैं हूँ अव्वल। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्यों वो इंग्लिश अच्छे से पढ़ तो पाते हैं पर लिख नहीं पाते, या फिर कुछ लोग इंग्लिश लिखने में तो सुपर फास्ट है पर बोलने में सुपर स्लो, ऐसा क्यों है? आपने साइंस में पढ़ा होगा कि एक ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसेस होती हैं, 5 इंद्रियां। आईज से देखना, ईयर से सुनना, जुबान से टेस्ट, नाक से स्मेल और स्किन से टच। जिस सेंस का जो काम है वो उसी ने करना है। जैसे आंखों से देखकर नहीं बताया जा सकता कि सब्जी में मिर्च तेज है या नहीं, बचपन से ही हम अपनी सब सेंसेस को यूज करना शुरू कर देते हैं और वो डेवलप होती जाती हैं। और जो सेंस यूज नहीं करोगे वो डेवलप भी नहीं होगी। आप बॉडी बिल्डिंग की एग्जाम्पल ले लो। अगर आपको 6-पैक एब्स बनाने हैं तो आपको उसी पार्ट की एक्सरसाइज करनी होगी। शोल्डर की एक्सरसाइज करने से शोल्डर मसल्स बनेंगी। So, आपको जवाब मिल गया होगा कि पढ़ना हमारी आईज का काम है, लिखना हमारे हैंड्स का और बोलना हमारे माउथ का। So, जिस भी पार्ट में आप वीक हो उसे उसी तरह डेवलप करो ताकि आप इंग्लिश में ऑलराउंडर बन सको। इसमें आपकी हेल्प करने के लिए एक फ्री मोबाइल ऐप है जिसे आप यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने न्यूज़पेपर में कोई इंग्लिश वर्ड पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, तो आप उस ऐप में उसका मीनिंग पूछ सकते हो। इसी तरह अगर आपने किसी को इंग्लिश में कोई मैसेज भेजना है पर आप उसकी हिंदी से इंग्लिश नहीं बना पा रहे, तो आप अपना हिंदी सेंटेंस उस ऐप में डालकर उसकी इंग्लिश जान सकते हो। इस ऐप की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि इसमें आपको कोई मशीन आंसर नहीं देती, कोई इंसान ही आंसर देता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सपर्ट होता है। ये एक फ्री ऐप है और इसके बारे में मैंने काफी पहले एक वीडियो में बताया था, पर आपकी कन्वीनियंस के लिए आज एक बार फिर से डेमो दे देता हूं। इस ऐप का नाम है हाई नेटिव। मान लो आपने इंग्लिश में कहना हो, मेरी बीवी के आगे मेरी बोलती बंद हो जाती है। इसे हाई नेटिव ऐप में डालते हैं और देखते हैं क्या ट्रांसलेशन मिलती है। मैंने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। ये एंड्रॉइड और iOS दोनों पर अवेलेबल है और आप इसे कंप्यूटर के ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हो। सबसे पहले हमें लॉगिन आईडी बनाना है। अगर आपका ट्विटर या फेसबुक पर अकाउंट हो तो उस आईडी से भी लॉगिन कर सकते हो, या फिर अपने ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हो जैसे मैं करने वाला हूं। एक यूजर नेम बना लिया, अपना ईमेल आईडी दे दिया और पासवर्ड रख लिया। अब इस स्क्रीन पर बताना है कि हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है और हम उसमें कितने फ्लुएंट हैं। इस ऐप में 110 लैंग्वेजेस सीखी जा सकती हैं, इसलिए अपनी लैंग्वेज सेट करने से ये ऐप उसी से जुड़े दूसरे यूजर्स के क्वेश्चंस भी दिखा सकेगी। हम अपनी लैंग्वेज में फ्लुएंट हैं, सो इसे ऐसे ही रहने दो। अब सेट करनी है वो लैंग्वेज जो हम सीखना चाहते हैं, यानी कि इंग्लिश। इंडिया में यूके इंग्लिश ज्यादा कॉमन है, इसलिए हमने ये सेलेक्ट कर ली और इंग्लिश में अपना लेवल बिगिनर ही रहने देते हैं। मुझे इनसे न्यूज़लेटर नहीं चाहिए तो मैं इसे अनचेक कर देता हूं और अब रजिस्टर प्रेस कर देते हैं। ये कुछ स्क्रीन्स हैं जो हमें बताती हैं कि इस ऐप को कैसे यूज करना है, और ये है हिंदी का एक सैंपल क्वेश्चन जो हमें आंसर करना है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। हाउ डू यू से हेलो इन हिंदी? यहां नीचे हम अपना आंसर टाइप कर देंगे। हेलो को हिंदी में कहते हैं नमस्ते। हिंदी से जुड़े आंसर देने की प्रैक्टिस भी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंच गए क्वेश्चन एंड आंसर्स में। ये जो आस्क बटन है, यहां क्लिक करके हम अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस ऐप में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के लिए बना बनाया फॉर्मेट है जिससे क्वेश्चंस पूछना इजी हो जाता है। पहला फॉर्मेट है हाउ डू यू से दिस, जब किसी हिंदी वर्ड या सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए हो। फिर है डज दिस साउंड नेचुरल, अगर आपने खुद से कोई इंग्लिश सेंटेंस बनाया है और पूछना हो कि ये करेक्ट है या नहीं तब इसे यूज करो। फिर है प्लीज शो मी एग्जाम्पल सेंटेंसेस विद, यानी अगर किसी इंग्लिश वर्ड से जुड़े सेंटेंसेस चाहिए हो तो ये फॉर्मेट यूज करो। आप वर्ड बताओगे और आपको सेंटेंसेस मिल जाएंगे। उसके बाद है व्हाट डज दिस मीन, अगर आपके पास कोई इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग जानना है तब ये फॉर्मेट काम आएगा। उसके बाद है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, जब दो इंग्लिश वर्ड्स के बीच आपको कंफ्यूजन हो तब इसे यूज करो। फिर प्रोनंसिएशन से जुड़े फॉर्मेट्स हैं प्लीज शो मी हाउ टू प्रोनाउंस, ये यूज होगा जब किसी इंग्लिश वर्ड की प्रोनंसिएशन पूछनी हो, और हाउस माई प्रोनंसिएशन यूज होगा जब किसी वर्ड की ऑडियो रिकॉर्ड करके आपने पूछना हो कि ठीक बोला या नहीं, और अगर आपकी प्रोनंसिएशन करेक्ट ना हुई तो आपको आंसर भी करेक्ट ऑडियो के साथ मिल जाएगा।
उसके बाद जनरल फॉर्मेट्स हैं किसी कंट्री के बारे में पूछने के लिए, या फिर फ्री क्वेश्चन मतलब कुछ भी और पूछने के लिए जो ऊपर दिए फॉर्मेट्स में नहीं फिट होता। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन की, हमें चाहिए एक हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हम सबसे पहले वाले फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे, यहां डाल देंगे अपना हिंदी सेंटेंस, मेरी बीवी के आगे मेरी बोलती बंद हो जाती है। नीचे भी बहुत काम के बटन्स हैं। अगर आपका हिंदी सेंटेंस कहीं प्रिंटेड है जैसे कि न्यूज़पेपर में, तो आप कैमरा से उसकी फोटो लेकर पोस्ट कर सकते हो। अगर आपके फोन में वो फोटो सेव्ड है तो यहां से गैलरी ओपन करके वो फोटो अपलोड कर सकते हो। अगर टाइपिंग मुश्किल लगे तो यहां से अपने सेंटेंस का ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देते हैं। ये देखिए मेरा आईडी लिखा हुआ है और क्वेश्चन पोस्ट हो गया है। जब तक इसका आंसर आता है मैं आपको और लोगों के क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं। आप दूसरों के क्वेश्चंस पर क्लिक करके उनके आंसर भी पढ़ सकते हो। यहां जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो ये पॉइंट्स हैं। ये आंसर देने वाले को उसकी स्पीड और करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं। इस ऐप में आप अपनी फेवरेट कंट्री भी सेट कर सकते हो और फिर उससे जुड़े क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। एक नोटिफिकेशन आया है, लगता है हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसे क्लिक करते हैं। ये देखिए एक यूजर ने हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया है, इसे क्लिक करके आंसर देखते हैं। ऊपर है हमारा क्वेश्चन और नीचे है उसका आंसर। आई बिकम स्पीचलेस इन फ्रंट ऑफ माई वाइफ। हमें अपने हिंदी सेंटेंस की ट्रांसलेशन मिल गई है, इस आंसर को लाइक कर देते हैं। इस ऐप की एक प्रीमियम वर्जन भी है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, पर ये फ्री वर्जन भी अपने आप में ऑलराउंडर है। आई बिकम स्पीचलेस इन फ्रंट ऑफ माई वाइफ। सो इस तरह की चीजें जो इंग्लिश सीखने में आपकी मदद करें मैं आप तक लाता रहूंगा और आपसे लाइक्स और कॉमेंट्स की उम्मीद करता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक।